हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेसन के चिल्ले और मैदा के चिल्ले। तो ये दोनों बहुत जल्दी बनता है और बहुत आसानी। इसमें देखिए, मैंने आधा कटोरी मैंने बेसन लिया, तो आधा कटोरी मैंने मैदा लिया। इस दोनों को इस तरह मिक्स कर देना है और इसमें नमक स्वाद अनुसार और आधा चम्मच हल्दी डाल देना है और इसे इस तरह मिक्स करके और पानी के साथ इसे घोल देना है। पतला घोल रहेगा। ये देखिए, हमारा घोल जो एकदम पतला हुआ है, देखिए इस तरह से पतला होना चाहिए। और इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक दूंगी। अब इसकी स्टफिंग बताती हूँ, जो इसके अंदर मैं स्टफिंग करूंगी। ये मैंने प्याज काट लिया, 2 प्याज, और ये शिमला मिर्च मैंने बारीक काट लिए, और टमाटर 1, ये मैंने इसे बारीक काट लिए, और ये काली मिर्च है और हरी मिर्च है, ये स्टफिंग में पड़ती है। तो आइए, मैं अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, फिर मैं इसे बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमारा घोल 10 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, अब ये फूल गया। तो आइए, मैं अब इसे दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और ये इसमें गर्म हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा इस तरह तेल लगा रही हूँ। इसमें तेल ज्यादा नहीं लगता है। अब इसे मैं, ये देखिए, अब मैं इसे थोड़ा सा इस तरह घोल दे दूंगी। अब पतला घोल देना इसमें, जैसे डोसा बनता है ना उस तरह, ये देखिए इस तरह इसे फैला लेना है। और ये बहुत यम्मी लगता है खाने में और जल्दी। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहे कि मैं क्या बनाऊं, तो बस ये आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह, ये देखिए, और हमारा देखिए ये तावा छोड़ दिया है, देखिए इस तरह से, तो यानी हो गया। तो हमें पलटना नहीं है, ये हमें इसी तरह रहना, देखिए इस तरह रहेगा। अब इसके ऊपर हम स्टफिंग कर देंगे, जैसे हम लोग डोसा में करते हैं, इस तरह से थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा इस तरह शिमला मिर्च, थोड़ा सा टमाटर, और देखिए मैंने इसे टमाटर से सर्व किया। और ये जो मैंने काली मिर्च रखी थी, इस तरह इसे बीच में इस तरह से चीर देना है, और थोड़ी सी हरी मिर्च इस तरह से, और इसे अब हमें पलट देना है। गैस को धीमा ही रखना है, देखिए इस तरह इसके ऊपर, और इधर से भी पलट देना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया डोसे की तरह। अब इसे बस आप सर्व कर दीजिए, और बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह हम सारी चिल्ले बना लेंगे। ये देखिए, हमारा चिल्ला एकदम बनके तैयार है। आप इसे सॉस या कोई भी ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें,